अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्मार्टफोन्स प्राइसेस डाउन होने का सीजन चल रहा है और बहुत सारी स्मार्टफोन्स कंपनी ऑलरेडी अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसेस के ऊपर बड़े बड़े प्राइस कट लगा चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरे पास कुछ नए स्मार्टफोन आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उन स्मार्टफोन्स के ऊपर प्राइस कट लग गए हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखो यार, डॉलर तो इस टाइम इंक्रीज हो रहा है तो भाई स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन्स की प्राइसेस कम हो रही हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों भाई स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इतनी ज्यादा कम हो रही हैं? So, अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है तो वो ये है कि उन स्मार्टफोन्स की प्राइसेस कम हो रही हैं जो मार्केट के अंदर वाफिर मिकदार में पड़े हुए हैं लेकिन बायर नहीं है। उन स्मार्टफोन्स की प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन जो है वो मार्केट के अंदर ज्यादा सेल आउट हो रहा है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाता है या फिर वो ब्लैक में सेल होता है। सो भाई, जो रीजन मुझे समझ आई है, मार्केट में जो स्मार्टफोन सेल नहीं हो रहा, कंपनी की तरफ से उस स्मार्टफोन की प्राइस को कम किया जा रहा है ताकि उनका स्मार्टफोन सेल आउट हो जाए। खैर, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नए स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिनके ऊपर प्राइस कट लगा है, तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और हां यार, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, एंड साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो भाई आइटल का एक स्मार्टफोन आता है, आइटल P40। बेसिकली स्मार्टफोन के दो वेरिएंट है, 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट और 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट। 4GB 64GB वाला पहले 27,000 की प्राइस में था, फिर इसके ऊपर प्राइस कट लगा और ये 24,000 की प्राइस में इस टाइम आप लोगों को मार्केट में मिलेगा, बल्कि मार्केट में आप लोगों को मजीद डिस्काउंट मिलेगा और ये स्मार्टफोन आप लोगों को 22,500 में इजीली ऑफलाइन मार्केट से मिल जाएगा। जबकि जो दूसरा वेरिएंट है 4GB 128GB वाला, पहले स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस 28,000 रुपए थी, प्राइस कट लगने के बाद इस स्मार्टफोन की प्राइस हो गई है 26,000 रुपए और मार्केट में आप लोगों को मजीद डिस्काउंट मिलेगा और ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट से इजीली 24,000 की प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद भाई ओप्पो का स्मार्टफोन आता है, ओप्पो A17 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट, जिसकी पहले प्राइस 55,000 थी, फिर प्राइस कट लगने के बाद 50,000 रुपए होगी। अब भाई 13,000 रुपए का मजीद प्राइस कट लगा है और ये स्मार्टफोन आप लोगों को इजीली ऑफलाइन मार्केट से 37,000 रुपीस की प्राइस में मिल जाएगा। वैसे इस फोन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं रिसेंटली वीडियो। इसके बाद डीकोड ब्रांड आता है, जिसके तीन मॉडल हैं जिनके ऊपर प्राइस कट लगा है। सबसे पहले सिग्नल 3 लाइट है जो कि 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आता है। पहले स्मार्टफोन की प्राइस थी 23,500, अब ये आप लोगों को मिलेगा 22,500 का, यानी कि 1,000 रुपए का प्राइस कट लगा है। मे बी इस स्मार्टफोन के ऊपर आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में मजीद डिस्काउंट मिल जाए, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा जो है वो सिग्नल 3 है जो कि 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आता है। पहले स्मार्टफोन की प्राइस 28,000 रुपए थी, अब 2,000 रुपए का प्राइस कट लगा है और ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में 26,000 की प्राइस में मिल जाएगा। हो सकता है कि भाई ऑफलाइन में आप लोगों को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाए। तीसरा मॉडल सिग्नल 3 प्रो है जो कि 4GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आता है। पहले स्मार्टफोन की प्राइस 30,000 रुपए थी, अब ये आप लोगों को मिलेगा 28,000 रुपए का, यानी कि इसके ऊपर भी 2,000 रुपए का प्राइस कट लगा है। इसके बाद भाई पाकिस्तानी ब्रांड आता है स्पार्क्स। तो भाई स्पार्क्स ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी मार्केट में स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा को लॉन्च किया था। दो वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, 6GB 128GB, 8GB 128GB। 6GB 128GB वाला पहले लॉन्च किया गया था, 8GB 128GB वाला बाद में लॉन्च किया गया था। 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई थी 35,000 रुपए, प्राइस कट लगने के बाद भाई 33,500 का मिलने लग गया। अब उसके ऊपर मजीद प्राइस कट लगा है 1,000 रुपए का, अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट से इजीली 32,500 की प्राइस में मिल जाएगा। एंड जो 8GB 128GB वाला, जबकि जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB वाला, जब इसको लॉन्च किया गया था तो स्मार्टफोन की प्राइस 39,000 से 40,000 रुपए थी, इसके ऊपर प्राइस कट लगा और ये स्मार्टफोन आप लोगों को मिलने लग गया 36,500 का। अब इसके ऊपर मजीद प्राइस कट लगा है 1,500 का, अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट से इजीली 35,000 रुपए का मिल जाएगा। इसके बाद रियलमी का एक मॉडल आता है, रियलमी C33 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट। पहले स्मार्टफोन की प्राइस 35,000 रुपए थी, डिस्काउंट के बाद 32,500 का मिल जाता था, अब इसके ऊपर 5,000 रुपए का प्राइस कट लगाया गया है कंपनी की तरफ से, अब ये स्मार्टफोन आप लोग को ऑफलाइन मार्केट में 30,000 की प्राइस में मिल जाएगा। हो सकता है कि भाई ऑफलाइन में आप लोग को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाए। एंड लास्ट में जो मॉडल है वो Xiaomi की तरफ से आता है, Redmi 12C। बेसिकली स्मार्टफोन के दो वेरिएंट है, 4GB 64GB, 4GB 128GB। 4GB 64GB वाला वेरिएंट पहले आप लोग को पाकिस्तानी मार्केट में 28,000 की प्राइस में मिलता था, अब ये स्मार्टफोन आप लोग को 25,000 की प्राइस में मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपए का इसके ऊपर प्राइस कट लगाया गया है। मे भी हो सकता है कि भाई ऑफलाइन मार्केट में आप लोग को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाए। जबकि जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, पहले ये स्मार्टफोन आप लोग को पाकिस्तानी मार्केट में 31,000 की प्राइस में मिलता था, अब ये आप लोग को 3,000 प्राइस कट लगने के बाद 28,000 की प्राइस में मिल जाएगा। मे भी हो सकता है कि भाई ऑफलाइन में आप लोग को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाए। तो भाई यही है वो कुछ स्मार्टफोन जिनके ऊपर प्राइस कट लगा है। वैसे अगर आप लोग इनमें से कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, अगर किसी ने परचेज करना तो उसको एक बेटर आइडिया मिल सके। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।